दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और राशिद खान को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात की हार के बाद भड़के राशिद खान ने दिया हार्दिक पांड्या पर जहरीला बयान, वहीं सूर्य के लिए कहा दिलजीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, मुंबई के खिलाफ गुजरात को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हार के बाद निराश राशिद खान ने कप्तान हार्दिक पांड्या पर सनसनीखेज बयान जारी करते हुए फटकार लगाई और सूर्य कुमार यादव के लिए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार गुजरात की हार के बाद राशिद खान ने कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्या पर क्या बयान जारी किया, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गुजरात की हार का जिम्मेदार कौन है, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल या फिर मोहम्मद शमी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 57वां मुकाबला गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में गुजरात की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के लिए आई, लेकिन यह फैसला उनका गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई मुंबई की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान मुंबई की टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों पर 103 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 211 के स्ट्राइक रेट से 11 चौके और 7 छक्के लगाए और दिखाया किसी अंदाज से उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। हालांकि गुजरात के लिए इस मुकाबले में राशिद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं मोहित शर्मा को 1 विकेट मिला। हालांकि इसका पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गिरा दिए और इस मुकाबले को गुजरात की टीम आसानी से हार गई। ऐसे में हार के बाद राशिद खान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें राशिद खान ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में गुजरात की हार के असली जिम्मेदार कप्तान हार्दिक पांड्या रहे हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन कप्तानी का इस्तेमाल नहीं किया। हर मुकाबले में वह पावर प्ले के अंदर खुद गेंदबाजी करने के लिए आते थे और अपने महत्वपूर्ण गेंदबाजों को गेंदबाजी के लिए बुलाते थे, लेकिन उन्होंने इस मुकाबले में ऐसा नहीं किया। ना तो वह खुद गेंदबाजी करने के लिए आए और ना ही महत्वपूर्ण गेंदबाजों को भेजा, बल्कि प्रयास के तौर पर इस मुकाबले में खेला। इतना ही नहीं, उन्होंने बल्लेबाजी करने में समय पर भी काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी की। हालांकि उन्होंने पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इस पारी को आगे ले जाने में असमर्थ रहे, जो एक खराब बल्लेबाज की निशानी है। अगर आप बेहतर शुरुआत मिल जाए तो आपको एक बड़ी पारी खेलनी चाहिए, लेकिन कप्तान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि कप्तान हार्दिक पांड्या को महत्वपूर्ण पर बड़ी पारी खेलनी चाहिए, जिससे एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसके चलते लक्ष्य से गुजरात की टीम पूरे तरीके से बाहर हो गई। इसके अलावा इस मुकाबले में सूर्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मुझे काफी ज्यादा दीवाना बना दिया। सूर्या की तूफानी बल्लेबाजी से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि मुंबई की टीम को अगर हराना है तो सूर्या जैसे महान बल्लेबाज को पहले आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सूर्या कुछ गेंद के अंदर आउट हो गए तो ठीक है, अन्यथा मुकाबले को पलटने का दमखम सूर्या के हाथों में चला जाता है। सूर्या की इस पारी से एक बात स्पष्ट हो गई है कि उनको रोक पाना बेहद मुश्किल है। सूर्या की इस पारी से मैं काफी ज्यादा सराहना करता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात की हार का बड़ा पारण क्या रहा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।